अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद मुश्ताक आप हज़रात की खिदमत में व्यूअर्स आज फिर से हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे नुस्खे के बारे में कि जो आपके पेट को हमेशा के लिए ठीक ठाक रखने वाला नुस्खा है। और आज की वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ कि हमारा पेट क्यों ख़राब हो जाता है और बदहज़मी क्यों बार बार होने लगती है। इसका अहम कारण ये होता है व्यूअर्स कि हम खाना खाते ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना ठीक से हज़म नहीं होता है और वो पेट में ही सड़ने लगता है। और फिर उसकी वजह से एसिड का बढ़ना और खट्टी डकारें आना और इसी के साथ साथ जो है तो पेट में गैस बनने का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम खाना खाएं तो खाने को हज़म कर ले, चहलकदमी करें, ये ज़रूरी है। और अगरचे ज़्यादा रात में भी आप खाना खा रहे हैं तो उसके लिए चहलकदमी आपको ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको पाचन क्रिया ठीक करने के लिए ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ जो आपको खाना खाने के बाद में लेना है और ये आपके खाने को फौरन हज़म कर देगा। तो व्यूअर्स नुस्खा कौन सा है, इस तरफ चलने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अब तक के आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की अपडेट आपको फौरी मिल जाए। तो व्यूअर्स आपको क्या करना है, सौंफ अच्छी क्वालिटी की आपको लेना है 50 ग्राम। 50 ग्राम आपने सौंफ ले ली, उसके बाद में 25 ग्राम आपको अच्छी अजवाइन लेना है। ये दोनों को तवे पे हल्का सा सेक लें। इसको जो है तो आपको 25 ग्राम अजवाइन को भी सेकना है या सौंफ में मिलाकर उसको सेक सकते हैं। 50 ग्राम सौंफ, 25 ग्राम अजवाइन और आपको उसमें हींग लेना है 10 ग्राम और 10 ग्राम हींग लेने के बाद में फिर आपको सेंधा नमक ले लें 5 ग्राम। और काला नमक जो ब्लैक साल्ट आता है ये खाने को फौरन हज़म करने का काम करता है, गैसेस को निकालता है, ये आपको लेना है 10 ग्राम। ये सारी चीज़ों को आप पाउडर बना लें और पाउडर बनाने के बाद में इसका चूर्ण सा बन जाएगा। जिस किसी हजरात को बीपी का प्रॉब्लम है तो ऐसे हजरात इसमें नमक की क्वांटिटी को कम कर लें। वैसा मकदार कमी है आपको जो बताया हूँ ये हर पेशेंट खा सकता है, कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी एहतियातन आप थोड़ा सेंधा नमक की मात्रा कम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसका चूर्ण बना लें, रात में सोते समय आप ले लिया करें 1/2 चम्मच नीम गर्म पानी से। अगरचे आपको कब्ज है, कब्जियत है पुरानी, पेट आपका साफ़ नहीं होता है, अगरचे आपका पेट ठीक ठाक है तो फौरन खाना खाने के 5 मिनट या 10 मिनट बाद में 1/2 चम्मच इसको फांक लिया करें, उस पर से हल्का सा पानी पी लें। फौरन खाने को हज़म करने वाला ये देसी नुस्खा है व्यूअर्स, तो बहुत आसान है और सस्ता समझ के इसको नज़रअंदाज ना कीजिएगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो बनाइए व्यूअर्स, और वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जानकारी के तहत अगरचे आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, आपको सारी जानकारी बाकायदा मिल जाएगी, कोई मसला नहीं। तो आप बनाइए और इस्तेमाल करें और अपने पेट की हिफाजत करें। फिर दूसरे वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे एक नए नुस्खे के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।